दोस्तों आपने साल 2000 में आई फिल्म मेला तो देखी होगी, जिसमें गांव का एक गुंडा एक लड़की से शादी करने के लिए उसके परिवार वालों को मार देता है और वो लड़की अपने परिवार का बदला लेने के लिए दो लोगों से मदद लेती है जो आपस में दोस्त होते हैं। उनकी मदद से वो गुंडे से अपने परिवार का बदला ले लेती है। इसी कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते ये फिल्म हो गई सुपरहिट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों से रूबरू करवाएंगे जो अपने पेरेंट्स से हर काम में आगे हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार, उनके रियल लाइफ बच्चे। नंबर 6, तन्वी आजमी। गोपाल की मम्मी का किरदार अभिनेत्री तन्वी आजमी ने निभाया, जिनके बेटे को गुज्जर मार देता है और ये उसके सदमे में पागल हो जाती है, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया। लेकिन अगर बात करें कि रियल लाइफ बच्चों की, तो आपको बता दें इनका अपना कोई बच्चा नहीं है, पर इन्होंने कुछ सालों पहले अपने पर्सनल असिस्टेंट के बच्चों को गोद लिया, जिनकी बेटी का नाम मेघना और बेटे का नाम विराज है। ये दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, ये उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रही है और उनकी सेहत का खूब ध्यान रखती है। इनके दोनों बच्चे भी इनसे अपनी माँ की तरह व्यवहार करते हैं। नंबर 5, ट्विंकल खन्ना। इस फिल्म में रूपा का किरदार अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने निभाया, जिसे गांव का गुंडा गुज्जर अपने चंगुल में ले लेता है और ये उसके चुंगल से भाग जाती है, जिसके बाद ये किशन और शंकर से मदद लेती है, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बच्चों की, तो आपको बता दें इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम आरव है, बेटी का नाम नितारा है। इनके बेटे 18 साल के हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ये आज एक नेट सेलिब्रिटी बन गए हैं। इन्हें स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी है, जिसके चलते ये हर तरह के स्पोर्ट्स को खेलना पसंद करते हैं। वहीं इनकी बेटी नितारा भी 7 साल की है और अपनी पढ़ाई कर रही है, कि कभी कभी अपनी मम्मी के साथ घूमते हुए स्पॉट की जाती है। नंबर 4, फैजल खान। इस फिल्म में शंकर शाने का किरदार अभिनेता फैजल खान ने निभाया, जो किशन प्यारे का दोस्त होता है, उसके साथ रूपा की मदद करता है। इस किरदार को भी इन्होंने अच्छे से निभाया और दर्शकों में फेमस हो गए। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बच्चों की, तो आपको बता दें इनका कोई बच्चा नहीं है, पर ये अपने भाई और अपनी बहनों के बच्चों को अपना ही बच्चा मानते हैं, इनका खूब ख्याल रखते हैं। नंबर 3, आमिर खान। इस फिल्म में आमिर खान ने किशन प्यारे का किरदार निभाया, जो फिल्म का मुख्य किरदार था, और अपने इस किरदार से लोगों से तारीफें हासिल की। अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों की, तो इनके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम इरा खान है, जुनेद खान है और आजाद है, जिनमें से इरा और जुनेद इनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के बच्चे हैं। वहीं आजाद खान इनकी दूसरी पत्नी किरण राव के बेटे हैं। वहीं अगर बात करें इनकी बेटी इरा खान के बारे में, तो वो 21 साल की है, अभी पढ़ाई कर रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वहीं इनके बेटे जुनेद खान अभी 25 साल के हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की है और जल्दी ये बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। अब बात करते हैं इनके छोटे बेटे आजाद राव खान की, जो भी 8 साल के हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लाइमलाइट में रहना बड़ा पसंद है, जिसके चलते आए दिन पिता के साथ स्पोर्ट किए जाते हैं। नंबर 2, अनिरुद्ध अग्रवाल। अभिनेता अनिरुद्ध अग्रवाल ने इस फिल्म में काली का किरदार निभाया, जो गुज्जर का एक गुंडा होता है। उसे रूपा को पकड़ने का काम दिया जाता है, जिसे पूरा करने में वो हर बार नाकाम रहता है। इस फिल्म में इनका किरदार नकारात्मक था, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों की, तो इनकी एक बेटी है, जिसका नाम कपिला अग्रवाल है। ये पेशे से एक अभिनेत्री है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंटे और बबलू फिल्म से की, पर ये उस फिल्म के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आई, शादी करके बोस्टन जाकर बस गई। नंबर 1, टीनू वर्मा। इस फिल्म में खलनायक गुज्जर का किरदार अभिनेता टीनू वर्मा ने निभाया, जो रूपा को पसंद करने लगता है और उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे बंदी बना लेता है, जिसके चलते उसके भाई तक को मार देता है। इस किरदार को उन्होंने अच्छे से निभाया और अपने किरदार से फेमस भी हो गए। अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों की, तो इनके 2 बेटे हैं, दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है, इसलिए दोनों इंडस्ट्री से दूर हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार के बच्चे ज्यादा अच्छे लगे, उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर डालो।